एक ऐसा इंटरनेट जो कभी हैक नहीं हो सकता और देगा प्रकाश की रफ्तार जैसी कनेक्टिविटी। क्या आपने कभी क्वांटम इंटरनेट के बारे में सुना है? नहीं सुना तो अभी जान जाओगे। इंटरनेट की स्पीड को तेज करने और इसे सुरक्षित करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्वांटम इंटरनेट की खोज की है, जो कि प्रकाश के रफ्तार जैसे कनेक्टिविटी देने में सक्षम होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित भी है। क्योंकि आज के ज़माने में स्पीड और सुरक्षा दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता है, जो कि आने वाले समय में क्वांटम इंटरनेट इन चिंताओं को दूर करने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांटम इंटरनेट और इससे जुड़ी कई रोचक बातों को जानेंगे, जिसे कि आप लोगों ने शायद ही कहीं पढ़ा या सुना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम इंटरनेट क्या है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो क्वांटम इंटरनेट क्वांटम कंप्यूटर के बीच इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट है, जो कि डेटा के पैकेट को क्यूबिट्स के हिसाब में एक से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। यह इंटरनेट हम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और काफ़ी ज़्यादा तेज भी। वैज्ञानिक कहते हैं कि क्वांटम इंटरनेट के डेटा ट्रांसफ़र करने की दर कम से कम 1 GB प्रति सेकंड का होता है। खैर, मैं बता दूं कि इस इंटरनेट की तकनीक को चीन के वैज्ञानिकों ने ढूंढ कर निकाला था, जहां 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद 2 जगहों को इस इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया था। वैसे आमतौर पर साधारण कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर काम करता है, पर क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के ऊपर काम करता है, जो कि अर्विन स्क्रोडिंगर पैराडॉक्स के ऊपर केंद्रित होता है। ऐसे में क्यूबिट्स का प्रयोग होता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि क्यूबिट्स जो हैं, यह एक तरह से अनिश्चितताओं से भरी हुई चीज़ है। कहने का मतलब यह है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें 0 या 1 या दोनों की वैल्यू मौजूद रहती है, पर क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्यूबिट्स के इस्तेमाल के चलते इनका एक ही साथ 0 और 1 दोनों ही की वैल्यू रहती है। ये दोनों वैल्यू तब तक मौजूद रहती है जब तक कोई एक निर्धारित वैल्यू इस इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले के पास पहुंच नहीं जाता है। क्यूबिट्स से जुड़ी एक गुप्त बात यह भी है कि अगर 2 क्यूबिट्स को कितने भी दूरी पर रखा जाए, बाद में ये दोनों क्यूबिट्स आपस में उलझ ही जाएंगे। वैसे इसके ऊपर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि क्यूबिट्स में होने वाले डेटा का आदान प्रदान इन्हीं उलझे हुए कणों की वजह से होता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से प्रकाश की गति के समान होता है। इसे उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन का नाम दिया था। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि टेलीपोर्ट के माध्यम से कोई भी वस्तु आपके कल्पना के परे की तेज़ी से एक से दूसरे जगह तक जा सकता है। क्वांटम टेलीपोर्ट की एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इसके ज़रिए आप किसी भी कण को वास्तविक तौर पर बिना कहीं भेजे ही उसे एक से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत बात है। विज्ञान की दृष्टि में यह किसी करिश्मे से कम नहीं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम जिस इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तविक तौर पर वह ऑप्टिकल फाइबर जैसे कई प्रकार के अलग अलग केबल के आधार पर बनाई गई एक संरचना है, जो कि पृथ्वी में मौजूद सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह आपस में जोड़ता है। इसलिए कई बार इसको आसानी से हैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी अपनी ही एक सीमा है, जिसके कारण यह काफ़ी धीमा भी हो जाता है। पर मैं जब क्वांटम इंटरनेट की बात करता हूँ तो दोस्तों, तब मैं एक बहुत ही अत्याधुनिक डेटा ट्रांसफ़र की तकनीक के संरचना के बारे में बात कर रहा होता हूँ। इसलिए कभी भी आप आम इंटरनेट को क्वांटम इंटरनेट के साथ तुलना नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता दूँ कि क्वांटम इंटरनेट में किसी भी क्वांटम कंप्यूटर को आपस में जोड़ा नहीं जाता है। भौतिक तौर पर तो ये कंप्यूटर आपस में जुड़े नहीं होते हैं, पर सूक्ष्म रूप से ज़रूर ही जुड़े होते हैं। इसलिए क्वांटम इंटरनेट में डेटा पैकेट की ट्रांसफ़र के लिए जिम्मेदार क्यूबिट्स भी एक दूसरे से कई दूरी पर होते हैं। इसके अलावा गौरतलब बात यह भी है कि क्वांटम इंटरनेट को बनाए रखने के लिए या 2 क्यूबिट्स के अंदर के कनेक्शन को कायम रखने के लिए थोड़ी सी भी वाइब्रेशन या वेव इस कनेक्शन को आसानी से ख़राब कर सकता है। क्वांटम इंटरनेट को सही तरीके से काम करते रहने के लिए क्वांटम मेमोरी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वांटम मेमोरी क्या है, चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। क्वांटम इंटरनेट में डेटा को संग्रहित रखने के लिए जो डिवाइस होता है, वही क्वांटम मेमोरी कहा जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने
50 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर के इंटरनेट की क्वांटम मेमोरी को सफल तरीके से निकालने में सक्षम रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आम इंटरनेट की क्वांटम मेमोरी को बाहर निकाला जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक क्वांटम मेमोरी को निकालने के लिए फोटोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फोटोन्स के जरिए आसानी से किसी भी अणु को ऊर्जा के द्वारा एक्साइट किया जा सकता है, जिससे क्यूबिट्स की उलझी हुई संरचना सहज तरीके से सुलझ जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक फोटोन्स के तीव्रता को संतुलित अवस्था में लेकर आते हैं, जिससे उस जगह पर मौजूद क्यूबिट्स को इकट्ठा किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद फोटोन कण को पूर्व के भांति फिर से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखा जाए तो क्वांटम मेमोरी को ढूंढने का प्रक्रिया उतनी भी कठिन नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी क्वांटम टेलीपोर्टेशन को लेकर बहुत सी पुष्टिकरण लानी है, जिसके जरिए आगे क्वांटम इंटरनेट को विस्तृत रूप से उपयोग में लिया जा सके। आपको क्या लगता है, क्या क्वांटम इंटरनेट कभी हकीकत में हमारे जीवन में इस्तेमाल होने लायक बन सकता है या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।